तो आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई छोले मसाला। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने छोलों को रात में भिगाना है, यानी पूरी रात उसे भिगाना है। तो जितना अच्छा भीगेगा उतना अच्छा वो जल्दी करने। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, इन्हें फाइनली चॉप कर लेना है हमें। ये देखिए कुछ मसाले हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये सारे मसालों को हमने यहाँ रख दिया है और ऊपर नाम भी लिख दिया है, ईजी होगा आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आपने प्रेशर कुकर में भीगे हुए छोलों को रख देना है इसमें, और पानी डाल के इसे हमने बॉईल करना है। तो पानी ज़्यादा मत डालिएगा और थोड़ा नमक डाल देना उसमें। नमक डालने के बाद इसे 3 से 4 विसल तक पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बहुत कम नहीं पकाना। तो ये देखिए पकने के बाद छोले ऐसे हाथ में ही मैश हो जाएंगे। अब एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में आपने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालना है। इसे अच्छी तरह गर्म होने दीजिए। उसके बाद हमने इसमें डालना है होल जीरा, और जीरा हल्का सा भुनने के बाद हमने इसमें डालना है थोड़ा सा हींग। देखिए हींग डाल दिया है अभी। अब डालने के बाद इसमें चॉप्ड जिंजर और गार्लिक हम अभी डालेंगे और इसे अच्छी तरह सौते करेंगे जब तक कि ये हल्का सा ब्राउन ना होने लगे। अब इसमें चॉप्ड अनियंस डाल देंगे और इसे हल्का पकाएंगे, और साथ ही में ही चॉप्ड ग्रीन चिलीज वो भी हम डाल देंगे। और साथ ही में इसे पकाना है जब तक कि अनियन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए ग्रीन चिलीज भी हमने डाल दिए, और इसे अच्छी तरह पकाना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है, और पेस्ट डालने के बाद इसे साथ ही में ही पकाना है। आप इसमें हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं, पानी डालने से अनियन गलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें 3 बेसिक स्पाइस पाउडर डालेंगे, जो है हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तीनों को डालने के बाद हल्का सा पानी डालें और साथ ही में पकाने लगें। ये देखिए थोड़ा पानी डालने के बाद वो हल्का सा पक जाएगा और हल्का सा तेल छोड़। अब इसमें हमने चॉप्ड टमाटोज को डालना है, और चॉप्ड टमाटोज डालने के बाद थोड़ा सा नमक डालना है जिससे कि टमाटोज गलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए टमाटो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा छोले मसाले का पाउडर डालेंगे, और उसके बाद बॉइल्ड वाले छोले इसमें डालेंगे। अब मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि उस छोले में ही थोड़ा सा पानी था, वही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब ये पकना स्टार्ट होगा। अब इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला डालना है और थोड़ा सा आमचूर का पाउडर डालना है। बस इसे अब अच्छी तरह पकाएं, और लास्ट में कसूरी मेथी भी डाल दें और चॉप्ड कोरिएंडर के लीव। तो देखिए ड्राई छोले मसाला रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।